बड़े बड़े मंदिरों में मूर्ति के आगे रोने वाले भक्तों को देखकर अगर आपके मन में शंका होती है इस चीज की कि यार मैं तो अच्छा भक्त हूं ही नहीं, जो ये भक्त रो रहे हैं ये तो उच्च कोटि के भक्त है, ये तो सच्चे भक्त है, मुझे रोना क्यों नहीं आता है, क्या मैं सच्चा भक्त नहीं हूं? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो भक्त रो रहे हैं मूर्ति के आगे, क्या वास्तव में ये सच्चे भक्त है या केवल दिखावा चल रहा है? इस चीज को आप समझिए। दो ही तरीके के भक्त ईश्वर के आगे रोते हैं हमेशा। पहली कैटेगरी के भक्त वो होते हैं जो अपने दुख प्रकट कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं ईश्वर मुझे इतना दुख क्यों दिया है, मुझे कुछ तो सुख दे दे। और दूसरी कैटेगरी के भक्त वो होते हैं जिन्होंने ईश्वर से पहले मांगा था, ईश्वर ने दे दिया, अब शुक्रिया कर रहे हैं कि तूने मुझे बहुत दिया है। देखिए मांगना दोनों कैटेगरी में ही है। पहले वाले भक्त अब मांग रहे हैं कि मुझे दे दे, दूसरी कैटेगरी के भक्तों ने मांग लिया। दोनों ही कैटेगरी के भक्त मांग रहे हैं, भाव किसी में नहीं है, क्योंकि भाव होता तो मांगना पड़ता ही नहीं। और तीसरी कैटेगरी के भक्त होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें बस ईश्वर का दर्शन चाहिए कि मुझे दर्शन दे दे। मगर तीसरी कैटेगरी के जो भक्त हैं वो बहुत शून्य होते हैं, ऐसे भक्त आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड कैटेगरी पे पहुंचने के लिए सारी इच्छाओं को तृप्त करना पड़ता है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे बस तेरा दर्शन चाहिए, गोपी भाव भीतर आना चाहिए। अब जो भक्त रो रहे हैं ये मूर्ति के आगे, एक काम करिए, इन्हें दूसरे मंदिर में ले जाइए और सभी मूर्तियों को ढक दीजिए और फिर पूछिए इन भक्तों से कि बताइए श्री कृष्ण कौन से हैं, बता नहीं पाएंगे। पूछिए कि श्री राम बताइए कौन से हैं, पूछिए कि भगवान शिव कौन से हैं, बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? ये तो बचपन से मंदिर जा रहे हैं, मूर्ति मूर्ति पूजन कर रहे हैं, अभी रो भी रहे थे, बांके बिहारी मूर्ति को देखकर रो रहे थे, आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि श्री कृष्ण हाँ है? क्योंकि ये मूर्ति में ही श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं। विश्वास की कमी है यहाँ पर, समझिए आप। अगर विश्वास होता, अगर ये विश्वास से रो रहे होते श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे, तो श्री कृष्ण बाहर नहीं निकल आते, क्योंकि भगवान तो स्वयं ये कह रहे हैं कि अगर एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं चलूं, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट की मणि।